आज अपन सीरीज स्टार्ट करेंगे, और ये भी एमपी काउंसिल में पूछा जाता है। और सीरीज जैसे मल्टीपल सीरीज आती है, मतलब प्लस माइनस की भी सीरीज आती है, और माइनस मतलब माइनस भी करते हैं, प्लस भी करते हैं, और मल्टीप्लाई भी करते हैं, और स्क्वायर वाली सीरीज भी आती है। तो वो मैं आपको जो डिस्कस करूँगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाऊँगा कि क्या आता है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चार सत्रह 43, 182 बॉक्स में क्या आएगा, इसको करिए। अपने पास ये जैसे ये सीरीज़ है, इसे अपन सॉल्व करते हैं। जैसे ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं अपने पास ऑप्शन। अब इसे अपन सॉल्व करते हैं। अब ये क्या है, जो सीरीज़ बनती है ये अलग, एक मल्टीप्लाई सीरीज़ भी होती है, एक मतलब यानी ऑड से और विषम वाली सीरीज़ भी होती है, सम वाली सीरीज़ भी होती है। तो इसे अपन करते हैं, जैसे ये 4 का 17 आया, 17 के बाद 43 आया, 43 82 आया, मतलब इसमें क्या हुआ है कि संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है, तो यहाँ पर ही संख्या बढ़ की जाएगी। अपन देखते हैं, मतलब यहाँ पहले 4 फिर 17 फिर 43 कैसे आया। चलिए करते हैं, 4 17 43 182। अब देखिए देखिए, अब ये जो सीरीज़ है इसमें पता करना पड़ेगा कि इसमें माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए, ये 4 से डायरेक्ट 182, मतलब ये या गुणा वाली सीरीज़ होगी या प्लस वाली सीरीज़ होगी। अभी आप सोल्यूशन जब करेंगे तो वो आप समझ जाएंगे इसको किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जैसे 4 से जो 17 आया ये कैसे आया, 4 से 17 आया, या 4 4 चौक 16 है प्लस 1, लेकिन इसके बाद देखिए 4 4 चौक 16, मतलब 4 गुणा किया है, और मतलब 17 में 4 गुणा करें तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब यानी ये इनटू वाली सीरीज़ नहीं है। अब देखिए इसका डिफरेंस देख लीजिए पहले, इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, 13 का। अब इसके बाद देखिए 17 से 43 में कितने का डिफरेंस है। अब देखिए 17 से 43 में कितने का डिफरेंस है, 43 माइनस 17 ये 6, ये 2, मतलब 26 का डिफरेंस है, तो 13 का दुगना यहाँ जुड़ा है 26। अब इसी प्रकार देखिए आगे 182 में क्या हुआ है, 43 सॉरी 182 नहीं, ये 82 है। ठीक है, अब देखिए 43 में क्या हुआ है। अब देखिए ये जो 43 है, अब 82 आया तो 82 में 2 में से 43 घटाइए, कितना होगा अपने पास, 12 में से 3 जाएंगे तो 9। ठीक है, और इसमें 3 बचेंगे अपने पास तो 39। तो जब ये 39 का, जब यहाँ 82, अब यहाँ पता है 13 दूनी 26 या 39 39, यहाँ क्या करेंगे साथ प्लस, अपन 52 प्लस करेंगे, 13 चौक 52, जब 82 में 52 प्लस करेंगे तो 4 और ये 13, 134 134, मतलब ये क्या था कि इसमें 13 इसमें प्लस हुआ, इसमें भी प्लस हुआ, इसमें भी प्लस हुआ, इसमें भी प्लस हुआ, 13 दूनी 26, फिर 13 जोड़ा 39, फिर 13 जोड़ा, तो अब जो अपना राइट आंसर रहेगा 134 रहेगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आगे भी आपको बता दिया जाऊँगा कि इसमें और क्या आएगा। अब दूसरा सवाल करते हैं अपन इसी का। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। अब इसमें देखिए, आप अगर इसे देखेंगे तो पहले यहाँ 76 मतलब बढ़ रहा है, फिर 70 फिर कम हो रहा है, तो अब आप इसमें कैसे पता करेंगे कि यहाँ क्या आएगा। अब इसका भी सलूशन अपने पास है कि मतलब ये अल्टरनेट सीरीज़ भी होती है कि एक के बाद कोई क्वेश्चन को देखते हैं। अब ठीक है, इसका ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे करने की कोशिश करिए पहले, अगर आपसे हो कुछ सोल्यूशन तो आप वो भी करिए, आपका थोड़ा प्रैक्टिस होगी इसमें, करिए इस सवाल को। अब इसे करते हैं, जैसे ये 22 के बाद 76 आया, इसका फिर कम हो रहा है, तो मतलब इस सीरीज़ को भी अपन को देखना, सोल्यूशन करना आना चाहिए, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मतलब सॉलिड होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा आपको। अब जैसे देखिए 22 के बाद 76, 70 से 31, 31 के बाद 91। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक कैसे 22 दूनी 44, मतलब ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ कम हो रहा है, तो आप इसमें देखिए कि 22 से 31 में कितने का, तो प्लस 9 जोड़ रहा है। ठीक है, अब इसका इसमें देखिए 76 में 91 कैसे जा रहा है, तो 91 में 76 कैसे जा रहा है, 11 में से 6 जाएंगे 5 और यहाँ 1, मतलब यहाँ प्लस 15 हो रहा है। अब देखिए यहाँ प्लस 15 हो रहा है और यहाँ वो हो रहा है। अब इसमें भी अपन जो यहाँ जो श्रृंखला आएगी ना
उसमें 31 में 9 ऐड करेंगे, 31 + 9 तो 40, यहाँ 40 आएगी। और अगर इसके आगे भी जाना होगा अपन को, जैसे अब इसके आगे जाएंगे तो इसमें 15 ऐड करेंगे, प्लस 15 ऐड करेंगे, 106, यहाँ पर 106 आएगा। लेकिन अपने को यहाँ तक भर करना है तो अपना जो ऑप्शन रहेगा 40 रहेगा, ठीक है। ये भी आप सीरीज़ एक बार देख लीजिए, इसमें फिर से समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे ऐसी सीरीज में क्या रहता है, जब एक पहले जो एक संख्या हो पहले उससे बड़ी हो फिर छोटी हो, तो अपन इसमें क्या देखते हैं, अल्टरनेट देखते हैं कि यहाँ से कुछ घट तो नहीं रहा है। अब घटेगा तो फिर यहाँ भी यहाँ भी घटने चाहिए, तो अपन इसमें क्या अल्टरनेट देख लेते हैं। जैसे इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको, या आगे यहाँ 40 दे के फिर आगे आपके से पूछ लिया था, लेकिन इस सीरीज को अपन इस प्रकार से करेंगे। ये भी हो गया आपका, जैसे इसका आंसर 40 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे सवाल करिए, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, अब ये भी आप सीरीज देखकर पहचान सकते हैं वैसे भी, कि यहाँ 71, फिर उससे कम 63, फिर उससे कम 55, मतलब ये मतलब सब्ट्रैक्शन वाली, मतलब घटाने वाली सीरीज है। इसमें आपको अलग ही समझ में आ रहा होगा। अब इसे सोल्यूशन देखते हैं अपन कि इसमें कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ डिफरेंस बनेगा, देखिए 71 63, यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 71 63, ये 8, ये -8 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 60 55 आया है, तो 63 55 घटाएंगे अपन, फिर से -8 का डिफरेंस है, ठीक है। अब यही -8 -8 यहाँ भी -8 ही होगा ना। अब 55 में से अब -8 घटा दीजिए, कितना आएगा, 5 7 अरे 4 है ना, तो आएगा अपना -8 करेंगे तो इसमें आएगा अपना 47। अब ऑप्शन में अपना 47 ये ऑप्शन में ये हो गया। अब ये देखिए, ये वाला जो सवाल है अब एक बार और बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए 71 जब भी सीरीज, मतलब कोई संख्या यहाँ अगर बड़ी लिखी हो फिर छोटी जाए, फिर छोटी जाए, तो मान चलिए वो मतलब माइनस वाली सीरीज होती है, हमेशा उसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ से कम ही करते जाते हैं। जैसे 71 था, 63 हुआ तो मतलब 8 कम है, फिर 55 कम हुआ तो 8 कम है, फिर 55 कम तो 8 कम करके 47, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी एक सवाल है आपका, ये भी सीरीज़ का सवाल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहले 10 फिर 16 मतलब बढ़ रहा है, फिर 25 फिर भी बढ़ रहा है, फिर 25 37 फिर भी बढ़ रहा है, मतलब ये क्या अपनी मतलब जोड़ने की सीरीज़ है। इसमें जब भी अपन सवाल करेंगे तो ये अपन देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जुड़ रहा है हमेशा, 10 से 16 हो रहा है, फिर 25 हो रहा है, फिर 37 हो रहा है। अब इसे भी सॉल्व करते हैं अपन, क्या आता है देखिए, 10 से 16 कितने का प्लस हुआ है यहाँ पे, 6 का, ठीक है। फिर 16 से 25 25 गए कितने का प्लस हुआ है, 25 में 16 करेंगे तो 9, ये 9 प्लस हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका 37 आया है, 25 में फिर क्या प्लस किया गया है, देखिए 2 और 1 12 प्लस किया गया है, मतलब यहाँ साफ दिख रहा है कि 3 से 9 तक 3, मतलब जब 6 में 3 जोड़े तो 9 आए, और 9 में 3 जोड़े तो 15 आए, 12 आए। अब क्या करेंगे अपन, अब ये 12 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ कितने का प्लस करेंगे अपन, प्लस का 15 करेंगे, मतलब 37 में 15 जोड़ेंगे, 52 अपना जो आंसर आएगा यहाँ 52 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए 52 कहाँ पर, ये है अपने पास ऑप्शन में। अब देखिए सवाल ये क्या, ये अपने ये जोड़ने वाली सीरीज़ थी, इसमें क्या जो लगातार जैसे कभी यहाँ 10 है, फिर 6 आया, 16 आया, फिर 25 आया, फिर 37 आया, मतलब ये जुड़ रहा है। तो यहाँ देखिए क्या जुड़ रहा है, पहले डिफरेंस देख लेते हैं अपन के, 6 का डिफरेंस जुड़ रहा था, फिर यहाँ पे 9 का डिफरेंस जुड़ रहा था, मतलब इसमें भी देखिए अंतर, जो यहाँ पे ये +3 का अंतर है, यहाँ +3 का अंतर है, यहाँ +3 का अंतर है, तो ये देखिए मतलब ये 3 3 बढ़ते जा रहे हैं, 37 15 52, दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर अपना 52 रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब इस सवाल को करते हैं, अब यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट का ना पूछ के फ्रंट, मतलब पहले का ही सवाल आंसर पूछ लिया है। अब इस सीरीज को देखते हैं अपन, अब ये सीरीज में क्या हो रहा है, 9 9 से 25, मतलब कितना बढ़ रहा है इसके आगे, ये 16 बढ़ रहा है, फिर 49 गया तो मतलब ये 24 बढ़ रहा है, फिर इसके बाद 121 गया, मतलब 16 24, मतलब 8 का डिफरेंस, फिर इसके बाद और देखते हैं 121 में 49 का डिफरेंस, अब इसे करके देखते हैं 2 72, मतलब ये ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, 24 8 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ नहीं समझ में आया। लेकिन आपने अगर मैथ में जैसे वर्ग वाला सवाल आता, मैथ की क्लास आपने अगर कर रहे हो आप, तो आप समझ जाओगे कि 9 25 और 49 121। अब इस सवाल करते हैं, पहले तो अपने पास
चलो ऑप्शन ही है, 9, फिर 25, 49, फिर 121, फिर 169। अपन जानते हैं कि ये जो जो 9 होता है ये 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये जो 25 होता है ये 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये 149 होता है ये 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये जो 121 होता है ये 11 का स्क्वायर होता है, और 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है। अब देखिए आप ये 3, 5, 7, 11, 13, अब ये देखिए, एक जो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि एक सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। अब जो अब इसमें समझो 3 है ये अभाज्य संख्या है, 5 ये भी अभाज्य संख्या है, 7 ये भी अभाज्य संख्या है, 11 ये भी अभाज्य संख्या है, और 13 ये भी अभाज्य संख्या है। अब इसमें अपन यही लॉजिक लगा सकते, जो पहला यहाँ संख्या होगी वो भी अभाज्य होगी, तो जो अपनी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, तो यहाँ जो 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 आएगा, मतलब अपने आंसर में 4 आएगा, ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर भी अपन देखिए देख सकते हैं 2 से 3, मतलब जो सवाल होते हैं उनमें भी ऐसा रहता है कि कभी 2, अब यहाँ 2 का विषम संख्या का डिफरेंस भी हो सकता है, सम संख्या डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्या का स्क्वायर दिया है उसने, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब ये भी 2 के बाद 3 आती है अभाज्य संख्या, उसके बाद 5 अभाज्य संख्या आती है, उसके बाद 7 अभाज्य संख्या आती है, उसके बाद 11, और 9 नहीं अभाज्य संख्या, वो विषम संख्या है, वो अभाज्य संख्या क्योंकि 9 का पहाड़ा 3 से जाता है। तो इसी प्रकार अपन इसमें देख सकते हैं जो जो 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा वो 4 रहेगा, यहाँ पर जो आएगा आंसर 4 आएगा, ये ठीक है, इसका आंसर की ये वाला रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये मतलब जो अपना जो सीरीज के क्वेश्चन थे ये केवल बेसिक सवाल थे, कल अपन इससे मतलब जो पेपर में आते हैं ये भी पेपर में आए हैं, आए हुए सवाल क्या कराए मैंने, जो कोई मतलब जो आते रहते हैं जिस हिसाब की सीरीज आती थी वो मैं करा दी आपको, और जो इससे एडवांस में जो एडवांस पूछ सकता है और जो सिंपल पूछे वो भी मैं आपको कल कराऊंगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू।